गाइस, आज मेरे पास में आ चुका है ये तगड़ा गैजेट अपने IQ Neo 9 Pro के लिए। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ये मैंने Amazon से मंगाया कुछ ऐसे 150 रुपए का, बहुत चीप है, इजिली अफोर्ड कर सकते हो अपने IQ Neo 9 Pro के लिए। सो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये 6 लेंस आए हैं। मैं इसका रिव्यू भी करूंगा, ऑनेस्ट रिव्यू, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये किसी चीज का। तो इसके अंदर देखते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है, वो भी देखेंगे। और देखिए, इसके अंदर ये 6 लेंस आए हैं इसके, जो कि इसके ऊपर लग जाए। अब मेरे को नहीं पता, क्या पता ये लेंस इसकी थिकनेस से ये इस मार्जिन के ऊपर आ जाए। इसके साथ में ये 2 वाइप्स मिले हैं, वेट वाइप, ड्राई वाइप। हाल ही में वैसे 3 देने चाहिए थे कंपनी को, बट उन्होंने सिर्फ 2 दिए। अब क्या करें कंपनी, ये चीज ध्यान रखना। तो आइए जल्दी से इसके अंदर ये लेंसेज लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। सो गाइस, देखते हैं अब इसके अंदर ये जो वेट वाइप मिला है, इसे खोलने वाला हूं मैं। वेट वाइप से पहले इसे साफ करेंगे। अब लगने वाला है ग्लास प्रोटेक्शन कैमरे के अंदर। ये ड्राई वाइप भी निकालते हैं, इसे फटाफट से साफ करते हैं। इसे लगाते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इतनी सी भी अगर धूल मिट्टी इसके अंदर आई ना, तो वो बबल ला सकती है कैमरे के लेंस के अंदर। ताकि मेरे को इजीली बबल दिख जाए ना, इसलिए मैं जो है ये लाइट का यूज कर रहा हूँ, ताकि मेरे को जो गंदगी जो है इसके अंदर है वो इजीली दिख जाए। आप भी ऐसे ही करना। ये लाइट, आपको लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। ये लाइट से देखिए और डर्ट अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हटा दीजिए लेंस के ऊपर से। वैसे इन कंपनी वालों को ना स्टिकर भी देना चाहिए था, ताकि मैं ये जो डर्ट है वो उठा सकूँ इसकी स्टिकनेस से। फाइनली द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, फाइनली हमारे मोबाइल के अंदर लगने जा रहा है लेंस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक लेंस पर जो है ना यहाँ पे प्रोटेक्टर लगा दिया है, और एक पर अभी नहीं लगाया है। तो चलिए जल्दी से फटाफट दूसरे पर भी लगाते हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने इसके अंदर ये जो है कैमरे का लेंस प्रोटेक्टर लगा दिया है। और इसके अंदर अब मेरे को एक चीज नोटिस हुई है, पहले ये जो है ना ये ब्लैक थोड़ा ज्यादा था, अब लेंस जो है थोड़ा वाइटिश शेड में आ गया है। वो शायद से लेंस की थिकनेस की वजह से हुआ है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैमरा क्वालिटी के अंदर, तो कैमरा क्वालिटी के अंदर मेरे को कुछ ऐसा खास अंतर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसा खास अंतर नहीं दिख रहा है अभी तक। अगर मेरे को कोई अंतर दिखता है, तो मैं आपको ये जो वीडियो है ना, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। इसकी रिव्यू वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए। सो गाइस, अब इस मोबाइल के अंदर कवर लगा करके देख लेते हैं कि ये नीचे टच होता है या नहीं होता है। सो गाइस, मेरे को जो है ऐसे कुछ फील नहीं, ये जो है ना इस मार्जिन के बराबर में आ चुका है बिल्कुल। मींस ये हल्का सा स्लाइटली ऊपर ही है ये वाली जो मार्जिन है, मतलब मींस ये लेंस भी प्रोटेक्टेड रहेगा इसके थ्रू, अगर आप किसी प्लेन सरफेस पर या किसी टेबल वगैरह पर रखते हो तो। थिकनेस अच्छी है, अप्लाई करना अच्छा है, अच्छा लगा मेरे को प्रोडक्ट। बाकी अच्छा है प्रोडक्ट, अच्छा लगा मेरे को, इजी टू यूज है। बस अगर एक स्टिकर देते और ये वाइप्स अगर 3 दे देते ना, इजी रहता मेरे लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी IQ Neo 9 Pro लवर्स हैं,
वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।